बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ लाई हूँ फिश टिक्का की रेसिपी। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से फिश टिक्का की रेसिपी लाई हूँ। तो ये फिश है बिना काटे वाली, इसमें सिर्फ एक ही काटा होता है बीच में। तो इसको मैंने अच्छे से लाकर पहले धो लिया था और उसके बाद फिर इसमें नमक नींबू डालकर एक घंटे के लिए रख दिया था। और फिर उसके बाद फिर मैंने इसको धोया है अच्छे साफ पानी से। और उसके बाद फिर अब हम इसमें मसाले मिला लेते हैं। तो मसाले के लिए हम सबसे पहले लेंगे ये सूखे कुछ जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, वो मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा जो हमारा गर्म मसाला होता है वो लिया है, और थोड़ा सा लिया है मैंने नमक। तो इन सब चीज़ों को हमने, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी लिया है। तो इन सब चीज़ों को मैंने एक बाउल में डाल लिया है। और इसके साथ ही मैं लूँगी फिश टिक्का मसाला। तो जो हमारा चिकन टिक्का मसाला होता है वो भी ले सकते हैं। टिक्का वैसे तो टिक्का मसाले में हम सभी फिश टिक्का, चिकन टिक्का सभी बना सकते हैं। तो ये मार्केट में ईज़िली आपको मिल जाता है टिक्का मसाला। तो यहाँ पर मैं शाही का चिकन टिक्का मसाला ले रही हूँ। तो ये मैं आधी पैकेट ले रही हूँ, मतलब 1 से 2 बड़ी चम्मच भरकर मुझे लेना है। और मैंने जो 500 ग्राम फिश ली है उसके लिए मैं इतना मसाला लूँगी। तो ये जो फिश टिक्का मसाला है इसके अंदर भी मिर्च वगैरह, नमक वगैरह सारे मसाले होते हैं, लेकिन ये थोड़े कम होते हैं। तो हम अपने अपने जो मसाले हैं वो भी साथ में मिला लें तो इसका टेस्ट कुछ और बढ़ जाता है। और सबसे ज़रूरी है इसके अंदर नींबू। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 नींबू लिए हैं जो कि अच्छे रसीले हैं, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 नींबू लिए हैं जो कि बहुत ही रसीले हैं मेरे नींबू। तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसको निचोड़ लूँगी नींबू के रस को, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये टिक्का बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। जो लोग फिश खाना पसंद नहीं करते तो वो ये जो टिक्के की फिश है ना, ये तो बहुत ही चटकारे लेकर खाएंगे। मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। हमारे यहाँ पर वैसे फिश का सालन बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन जो फिश टिक्का होता है ना वो बड़े शौक से खाते हैं। तो इसको अच्छे से स्क्वीज करते हुए मैंने नींबू को का जो जूस है वो अच्छे से निकाल लिया है। उसके बाद मैं अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो ये हमारे सारे जो मसाले हैं ना सब एक सार हो जाए। तो इसमें हम दही भी लेते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास दही नहीं था, और वैसे भी जो हमने नींबू डाला है उससे तो खट्टापन इसमें आ ही जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने ना इसमें दही नहीं लिया। वैसे आप इसमें 2 से 3 चम्मच दही मिला ले तो बहुत ही और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। दही भी हमें कैसा लेना है, जो बिना पानी वाला गाढ़ा दही होता है ना वो लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे फिश के जो पीस है वो धीरे एक एक करके उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो हमारा मसाला है ना वो अच्छे से इस पर कोट हो जाए। तो हमें इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रखना है 1 से 2 घंटे के लिए। तो हम इसको जितना ज़्यादा देर रखेंगे ना उतना ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया सा बनेगा, क्योंकि जो मसाला है ना इसको अच्छे से लग जाएगा। तो मैंने इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैंने इसको रखा था फ्रिज में, और इसमें मैंने ना ऊपर से हरा धनिया भी थोड़ा सा डाल दिया था। तो देखिए अच्छे से मिक्स करके मैं इसको रख दूँगी। और जो इसका सालन है वो भी मैंने बनाया था, आधी फिश मैंने 1.5 केजी के करीब मैंने फिश ली थी, तो मैंने आधा सालन बनाया था और आधे का फिश टिक्का बनाया था। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो फिश टिक्का खाना पसंद करते हैं, और जो बड़े होते हैं उनको तो सालन शोरबे वाला चाहिए होता है, टिक्के से तो पेट नहीं भरा सकता, तो इसलिए मैंने ना सालन भी बनाया है। तो अगर आपको सालन की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर मैं जल्दी ही डालूँगी। तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा कि आपको सालन की रेसिपी चाहिए या नहीं, और मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा प्लीज़, क्योंकि आप ही का साथ होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। और मेरी बहन का भी चैनल है कशफ खान व्लॉग्स, तो वो भी बड़ी अच्छी रेसिपी डालती हैं, तो आप वहाँ पर भी ज़रूर जाइएगा। मैं उनका लिंक अपने चैनल पर ज़रूर दूंगी आपको,
तो आप उनके चैनल पर भी विज़िट कीजिएगा, वो भी बहुत अच्छे से रेसिपीज डालती हैं, तो आप उन्हें भी देखिएगा। तो चलिए, 2 घंटे तो हो चुके थे हमारे, तो अब मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था पहले, और फिर मैंने जो हमारे गैस की फ्लेम थी उसको कम कर दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने जो हमारी फिश थी वो डाल दी है। तो उसको हमें अच्छा सा कड़क होने तक के तलना है। और देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा जो टिक्का मसाला होता है ज़्यादा दिन पुराना हो जाता है, या फिर थोड़ा सा मतलब अलग भी आ जाता है, तो जो मसाला होता है ना वो उस पर अच्छे से चिपक नहीं पाता, इसलिए थोड़ा सा वो जो फिश पे से जो मसाला है वो हट जाता है। लेकिन जो इसके अंदर जो मसाला चला गया है तो उसका तो कुछ टेस्ट अलग ही है, जो हमने अपने घर के जो मसाले डाले थे उसका टेस्ट तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए, मेरे यहाँ पर फिश टिक्का बनकर तैयार हो चुका है, और बड़ा ही मज़ेदार और टेस्टी बना है। और नींबू मेरे ख़त्म हो गए थे इसलिए मैंने यहाँ पर नींबू नहीं रखे हैं, तो आप इस पर नींबू डालिए और अपना जो चाट मसाला होता है वो डालिए, और उसको डाल कर फिर खाइए। बढ़िया सा चटपटा सा फिश टिक्का आपके लिए तैयार है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।